मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। मैं जिला अध्यक्ष सिद्धानगर का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी हूँ। जी, आज चुनाव चल रहा है, अगर आप जीत जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे तो लेखपाल के लिए क्या करें? लेखपाल से लेखपाल का जो मान सम्मान गिरा है और पूर्व में जो आंदोलन चला था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शासन द्वारा नहीं कर किया गया, उसको हम लोग पहले 500 मांग हम लोग पूरा कराएंगे और उसके बाद जो भी समसामयिक समस्याएं रहेंगी लेखपालों की उसको पूरा कराया जाएगा और उसका निशान कराया जाएगा हर हाल में। और स्थानांतरण DPC हमारे वहाँ बहुत बहुत प्रतिष्ठित है, वो नहीं मांगे पड़ी हुई लेखपालों की अभी तक पूरी नहीं हो। अब सरकार के वादा खिलाफी है जी, उन्होंने पूरा नहीं कराया जी जी। अब उनको हम क्या कहें, अब क्योंकि सरकार की भी हड़बड़ता है और सरकार ने जो है काफ़ी हम लोग की मांग कहने के बावजूद किया नहीं और हमारा आंदोलन। अध्यक्ष पद पे कितने प्रत्याशी उतरे हैं? चार प्रत्याशी उतरे हैं। किस किस जिले के आए हुए हैं? एक एटा के हैं, एक दो लोग लखनऊ बाराबंकी के हैं और एक सीतापुर के हैं और एक आप जी। पाँच हो गए तो चार। ठीक है। और इस टाइम जो रिजल्ट जा रहा है वो आपको क्या बताता है, मतलब किस तरीके किसकी तरफ ज़्यादा वो दिख रहा है? अब हम कैसे कह सकते हैं, तो अभी तो जो है सभी मतदाताओं के उसमें। चलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर जीत जाएंगे जी तो क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? जितना भी लेखपालों की समस्याएं हैं उसको पूरा कराया जाएगा हर हाल में और जो भी समसामयिक समस्या है उसको पूरा कराया जाएगा। हमारी नए साथियों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है वो अभी तक नहीं किया गया है, वो होना चाहिए और लेखपालों का प्रमोशन नहीं हुआ है। वेतन के लिए वेतन उच्चीकरण की मांग है, हम लोग के शासन में लंबित है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा कि उसको भी पूरा करें। चलिए असल बात, अगर मान लीजिए अगर आप जीत जाते हैं जी तो चलिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ अभी से दिए दे रहे हैं जी। हमारा आशीर्वाद है मीडिया वालों की तरफ से जी। आप ही जीतेंगे। धन्यवाद।